बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज रात और बुध 13 अप्रैल और आने वाले मज़ीद 10 रोज़ तक मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, शदीद गर्मी की सूरत हाल क्या होगी और मगरबी हवाओं के नए सिलसिलों के बाइस मुल्क के कौन कौन से इलाकों में गरज चमक और तूफ़ानी आंधी के साथ बारिश यालाबारी मतवक़े है। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के साथ हाज़िर हों। मौसम के हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए बरह मेहरबानी वेदर लवर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत शुक्रिया। महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज रात और बुध 13 अप्रैल के रोज़ मगरबी हवाओं के नए सिलसिले के बायस पेशावर में सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों मरी रावलपिंडी इस्लामाबाद खिता पठवार सरगोदा मुल्तान लाहौर भक्कर सियालकोट गुजरांवाला गुजरात डेरा गाजी खान हाफसाबाद मंडी बाउद्दीन फैसलाबाद शेखोपुरा राजनपुर खानेवाल साहिवाल समेत सुबह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों शुमाली बलोचिस्तान और सुबह सिंध में भी चंद मकामात पर शदीद गर्द आलूद आंधी चलने और शदीद गरज चमक के साथ सिर्फ कहीं कहीं बारिश और बाज़ मकामात पर ओले पड़ने का इम्कान है। तहम मुल्क के दीगर बेशतर इलाकों में मतला जजवी अबर आलूद रहने के साथ साथ शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। वेदर लवर्स आपको अपडेट करता चलूँ कि मौजूदा मगरबी हवाओं के सिलसिले के बायस आंधी और गरज चमक ज़्यादा होगी, तहम बारिश सिर्फ कहीं कहीं देखने को मिलेगी। तहम 15 अप्रैल के बाद खसूस 17-18 अप्रैल से मगरबी हवाओं के ज्यादा ताकतवर लंबे सिलसिलों के बायस सिंध बलोचिस्तान पंजाब खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के शुमाली इलाका जात में भी दूर दूर तक शदीद गरज चमक और तूफानी गर्द आलूद आंधी के साथ जबरदस्त बारिशों और बाज़ मकामात पर ओले पड़ने के इम्कान हैं, जिनके बायस मौजूदा गर्मी की शदीद लहर में कुछ ना कुछ कमी आने की तवक्को है।